जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम यानी कि शियाटिका के बारे में। हिप से लेके टो तक जो पेन जाता है, कुल्ले के हड्डी से लेके कुल्ले से लेके नीचे बिल्कुल तलवों तक जो दर्द हो जाता है, किसी किसी को केवल थाई यानी कि जंघों तक ही जाता है, इस तरह के दर्द के बारे में क्या रीज़न होता है जिसके पीछे आपको इस तरह का दर्द झेलना होता है, शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह छुटकारा पाने में। मैं न केवल इसमें आपको इंडिविजुअल सिम्टम के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, बल्कि अगर आप सिम्टम वाइज कोई मेडिसिन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करके आप अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इंस्टेंटली भी और जड़ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। दोस्तों, शियाटिक नर्व जो होती है हमारी बॉडी में, वो सबसे मोटी और सबसे लंबी नर्व होती है हमारी बॉडी में। इवन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे भी मोटी होती है, स्पाइनल कॉर्ड से भी लंबी होती है। इस नर्व का जब कंप्रेशन होता है तो इतना सीवियर और इतना असहनीय दर्द पेशेंट को होता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे कुछ फट रहा है, ऐसा फील होता है, जैसे कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे नंबनेस हो रही है, सुन्न हो रहा है पैर। ये तब होता है, सुन्न होना और नंबनेस आना, जब नर्व का कंप्रेशन ज़्यादा हो। नर्व का कंप्रेशन जब हल्का सा होता है तो आपको पेन ज़्यादा फील होता है, और जब नर्व का कंप्रेशन ज़्यादा होता है झुनझुनाहट और नंबनेस आपको ज़्यादा फील होती है। नर्व जो होती है दोस्तों वो हमारे हिप से लेके पूरे टो तक जाती है, तो जो दर्द है या झुनझुनाहट की जो सेंसेशन है वो पूरी पैर में भी हो सकते हैं यानी कि हिप से लेके टो तक भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये सिर्फ थाई तक जाते हैं। अधिकतर ये जो दर्द होता है सिर्फ एक पैर में होता है, या तो राइट साइडेड होता है या लेफ्ट साइडेड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जब स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, मसल स्पाज्म अगर ज़्यादा होता है, या फिर सीजेरियन सेक्शन के जो पेशेंट होते हैं वो लॉन्ग टाइम में कई बार ऐसा होता है कि दोनों पैर की नसें भी इफेक्टेड हो जाती है। करते हैं हम रीजन की कि आखिर क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से शियाटिक नर्व का कंप्रेशन या शियाटिका देखा जाता है। सबसे मेन रीजन जो है दोस्तों, आपकी जो वर्टिबल कॉलम होती है, स्पाइनल कॉलम होती है, किसी भी वजह से अगर उसका कंप्रेशन हो रहा है, अगर वो नैरोइंग में जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड पे अगर जोर पड़ रहा है तो आपको शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर लंबर स्टेनोसिस हुआ और रिजल्ट होता है कि आपकी शियाटिक नर्व अफेक्टेड हो गई है। दूसरा क्या है, अगर आपके आसपास की मसल्स स्पाज्म में जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल कॉलम के आसपास की मसल्स स्पाज्म में जा रही है, शियाटिक नर्व की मसल्स स्पाज्म में जा रही है, तो स्टिफनेस आ रही है, कहीं ना कहीं कसावट आ रही है, और शियाटिक नर्व जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है, जिस वजह से आपको शियाटिका की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर स्पाइनल कॉलम की जो डिस्क है वो डिजनरेशन में जा रही है, होता क्या है कि जो कुशंस होते हैं डिस्क के बीच बीच में कुशन होते हैं हमारे वर्टिबल कॉलम के, और अगर वो डिजनरेट हो रहे हैं, उनकी जो साइज है वो श्रिंक हो रही है, या फिर आपके आसपास का जो फ्लूड है वर्टिबल कॉलम में वो कम हो रहा है, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं, तो नर्व पे वापस कंप्रेशन पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड पे और रिजल्ट होगा शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम। या फिर क्या हो सकता है, आपका जो लंबर स्पाइन है वो उभर जाए किसी भी कारण से, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम से, या वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, या विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाए स्पाइन में, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पर जोर पड़ता है और रिजल्ट होता है शियाटिका की प्रॉब्लम। नर्व में जो शियाटिक नर्व की कंप्रेशन होती है यानी शियाटिका की प्रॉब्लम आती है, अगर प्रेगनेंसी के बाद होती है या प्रेगनेंसी के टाइम से स्टार्ट होती है, तो वो उस वजह से होती है कि अगर बच्चा थोड़ा हैवी हो, 3.5 किलो का बच्चा हैवी हो, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉलम जो है उस पर इफेक्ट आता है, उनका कंप्रेशन होने लगता है और शियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। स्पेशली वो उन महिलाओं में होता है जिनमें पहले से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से पहले से ही आपकी वर्टिबल कॉलम जो है वो थोड़ी वीक है, उनके ऊपर वो ज़्यादा जोर नहीं ले सकती, और प्रेगनेंसी में अगर हैवी बच्चा हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड पे जोर, और उसके बाद आपका शियाटिक नर्व का कंप्रेशन, और आपको शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली शियाटिका नर्व का जो कंप्रेशन है, शियाटिका की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों से जुड़ा हुआ है। तो विटामिन डी जरूर आप टेस्ट करवाइए अगर आपको शियाटिका नर्व की प्रॉब्लम हो रही है, शियाटिका की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं जाएगी अगर विटामिन डी की प्रॉपर मात्रा होगी, तो स्पाइनल कॉलम पे जोर कम पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड पे जब जोर कम पड़ेगा और शियाटिका की प्रॉब्लम में कमी आएगी।
बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, इंडिविजुअली कौन सी मेडिसिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है, ना केवल इंस्टेंट बल्कि परमानेंटली भी आपको रिलीव कर सकती है। उसमें सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन मैं एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में बताऊंगी। दो दो बूंद आप इसको दिन तीन बार दिन में सुबह दोपहर शाम करके तब ले सकते हैं जब आपको स्पेशली कमर दर्द चुभन वाला हो, और जैसे ही आप उठ के खड़े होते हैं और आपका दर्द बढ़ जाता है। अगर बैठे हैं तो इतना दर्द नहीं है, जैसे खड़े हुए और पेन बढ़ जाए तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है कोलोसिंथ 200। ये राइट साइडेड पेन जब होता है, राइट साइडेड शियाटिका जब होता है, दाएं पैर में आपको दर्द हो रहा है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। नंबनेस की फीलिंग आ रही है, सुनपन हो रहा है और काफी सीवियर दर्द है, आपको पेट को मोड़ने से आराम मिल रहा है, नी को स्पेशली मोड़ने से आराम हो रहा है, तो ये दो दो बूंद करके आप दिन में दो बार ले सकते हैं। एरिकम 200 मेडिसिन भी दोस्तों शियाटिका में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जैसे जिनको सिजेरियन सेक्शन हुआ है, जिन महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस समय से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में कई बार एनेस्थीसिया देने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी को प्रेगनेंसी के पहले से भी स्टार्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी के मिड से भी स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी से अगर कहीं ना कहीं रिलेशन है, और चुभने जैसा अगर दर्द है, सुई जैसा, सुई चुभाने जैसा दर्द फील हो रहा है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड एरिया में हो, बैक एरिया में हो, चाहे शियाटिका नर्व के पूरे रीजन में, यानी कि हेड से हिप से टो तक, तो आप इस मेडिसिन को दो दो बूंद करके दिन में दो बार यूज कर सकते हैं। अगर पेन बहुत ज्यादा सीवियर है तो हाइपेरिकम 200 को आप दो दो बूंद करके हर दो घंटे में भी ले सकते हैं। फाइलम 200 मेडिसिन दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आपका शियाटिका का दर्द चलने फिरने से बढ़ रहा है। दो दो बूंद कर करके आप इसको दिन में सुबह और शाम को दो बार लेके अपने इस तरह के दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। मेडोरिनम 200 पोटेंसी में दो बूंद वीकली करके आप उस कंडीशन में ले जब आपका पेन जो है बहुत ज्यादा अनबियरेबल है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर अगर आपको दर्द हो रहा है, तो आप इसको 15 दिन में एक बार ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा सीवियर दर्द है तो। बाकी आप जो भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ सिम्टम वाइज उन मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। काल्मिया लेटिफोलिया तब उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है 200 पोटेंसी में, जब दर्द जो है आपका शियाटिका वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अधिकतर शियाटिका नर्व में प्रॉब्लम होती है तो ऊपर से नीचे दर्द जाता है, लेकिन इसमें नीचे से ऊपर की तरफ रेडिएट होता हुआ खिसकता हुआ दर्द आपको फील हो सकता है। इसको आप दो दो बूंद करके दिन में दो बार ले सकते हैं। लीडमपाल 200 मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आपको ठंडे सेक से आराम हो रहा है, दो दो बूंद करके आप दिन में इसमें को तीन चार बार जरूरत के अकॉर्डिंग दो दो बार दो घंटे में भी ले सकते हैं। अगर सीवियर पेन है तो दो दो घंटे में लीजिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए, जल्दी आराम के लिए, और अगर हल्का फुल्का दर्द है ठंडे सेक से आराम मिल रहा है तो आप इसको दिन में तीन बार ले सकते हैं। अगर आपको गर्म सेक से हमेशा शियाटिक नर्व के में आराम मिलता है और हल्का प्रेशर देने से आराम मिलता है, तो आप मैकफोस 200 पोटेंसी में दो दो बूंद करके दिन में दो बार ले सकते हैं और अपनी इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मूला की, कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे हैं, आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो क्या होम्योपैथिक फॉर्मूला लेके आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आपको दोस्तों इसमें यूज करनी है आर्निका 200। आर्निका 200 जो है दोस्तों वो किसी भी तरह के पेन में, स्पेशली जब ब्रूस्ट फेलिंग हो, जैसे मारा गया हो, कुचला गया हो, इस तरह का दर्द हो, जब चोट लग जाती है और नील पड़ जाती है तब कैसा दर्द होता है, अगर इस तरह का दर्द हो रहा है तो किसी भी कंडीशन में अर्निका 200 बहुत अच्छा पेन किलर की तरह काम करती है। इसी तरह शियाटिका नर्व की कंप्रेशन में, शियाटिका की प्रॉब्लम में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं एज ए पेन किलर। आप इसको कितनी भी बार ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में आप इसको तीन तीन बार ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम करके। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है फॉस्फोरस 30, दो दो बूंद करके आपको दिन में तीन बार लेनी है। ये मेडिसिन आपको फॉर्मूला के तौर पे मैं आप बता रही हूँ, अगर आपको सिम्टम समझ में नहीं आ रहे तो। बायोकेमिक मेडिसिन है एक जो बहुत अच्छा एक्शन करती है शियाटिका नर्व के कंप्रेशन में, इस मेडिसिन का नाम है मैकफोस 6x पोटेंसी में, चार चार टेबलेट आपको दिन में तीन बार करके लेनी है। नेक्स्ट जो मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ दोस्तों वो एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। यह मदर टिंचर कॉम्बिनेशन कोई भी शियाटिका नर्व का पेशेंट आराम से ले सकता है, शियाटिका की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। मदर टिंचर की सबसे पहली मेडिसिन जो है दोस्तों उसका नाम है ग्वाइकम मदर टिंचर। ये टीयरिंग पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जब आपका दर्द जो है थोड़े से भी प्रेशर से आपका बढ़ रहा है, चलने फिरने के कारण आपको दर्द रहा है और बिल्कुल फट जाने जैसा दर्द हो रहा है,
तो आप ये मेडिसिन 10-10 बूंद करके इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको रैनेनकुलस बल्ब, जो मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इसके साथ मिक्स करके कैसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। रैनेनकुलस बल्ब मदर टिंचर जो है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है शियाटिका की प्रॉब्लम में। इसको आप दोनों मदर टिंचर को मिला लीजिए और 20-20 बूंद करके आप दिन में इसको 3 बार यूज कर सकते हैं शियाटिका नर्व की इस तरह की प्रॉब्लम में। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल रहेगा। कैसे लेना है ये फॉर्मूला? आर्निका 200 आप पेन किलर के रूप में कंडीशन के अकॉर्डिंग कितनी भी बार रिपीट्स कर सकते हैं, और जो फॉस्फोरस 30 है वो आपको सिर्फ दिन में 3 बार लेनी है। मैकफोस 6x पोटेंसी में जो मेडिसिन है इसको आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार यूज करनी है। और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है ग्वाइकम मदर टिंचर और एनन्कुलस मदर टिंचर का, इसको आपको 20-20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार लेना है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो आपको शियाटिका नर्व की प्रॉब्लम में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, परमानेंट आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बहुत बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट है कि आप इंडिविजुअल जो मेडिसिन है उनका भी चयन कर सकते हैं, नहीं तो ये मेडिसिन तो फॉर्मूला जो है ये तो काम करेगा ही करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे ये बताइए कि आप मुझे आपके लिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।